दोस्तों उत्तर प्रदेश पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर एक कानपुर से आगे एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से बारिश जो है भारत के कई राज्यों पर देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर आज बादल देखने को मिले मध्य से पूर्वी की तरफ, और कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ भी जो है हल्की या एक दो भागों पर मॉडरेट शावर जो है वो देखने को मिले। और 4 दिसंबर में भी इसी तरह की जो है स्थिति उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के भागों पर 4 दिसंबर में भी हमें नज़र आ रही है। और इसके अलावा दोस्तों, जो मिचाओंग है ये इस समय यहाँ पर बना हुआ है, और ये जैसे जैसे अंदर की ओर आएगा तो इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर तेज़ हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर लगभग हम बोल सकते हैं कि 5 या 6 दिसंबर के दौरान तेज हवाएं चलेंगी, बादल छाए रहेंगे, और पूरी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का जो है फिलहाल वेदर जो है वो बना हुआ है। और बात दोस्तों अगर यहाँ पर करें 4 दिसंबर की, तो देखिए 4 दिसंबर में उत्तर प्रदेश के जो भाग है, यानी कि इसमें ललितपुर, झांसी और हमीरपुर, महोबा, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, लखीमपुर खीर बैराज, श्रावस्ती, शाहजहाँपुर, बदायूं, यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि हल्की बारिश, और एक दो भागों पर मॉडरेट शावर जो है कहीं कहीं पर देखने को मिल सकते हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, बुलंदशहर से और बरेली, इन भागों पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर सुबह के समय कोहरा जो है वो देखने को मिलेगा। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया और कुशीनगर, महाराजगंज, संत रविदास नगर, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादलों की आवाजाही यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती है, और इक्का दुक्का भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। और 5 दिसंबर की अगर बात करें, 5 दिसंबर में उत्तर प्रदेश के सभी भागों से मौसम साफ हो जाएगा, यानी कि जो ये सर्कुलेशन बना हुआ है ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर इस तूफान की वजह से, चक्रवाती तूफान की वजह से बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिलेगी। और 6 दिसंबर में भी इसी तरह की स्थितियाँ उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगी। 7 दिसंबर में भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। 8 दिसंबर से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम जो है वो साफ देखने को मिलेगा। और चलते चलते आपको ये भी बता दें कि लगभग 12 दिसंबर के दौरान एक और भारत के पहाड़ी राज्यों पर ताकतवर पश्चिम विक्षोभ आएगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर 12 या 13 दिसंबर के दौरान बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो जो है वो बन सकती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।